पाकिस्तानी होने का मुहिब वचन होने का सबूत दे ना। सबूत कैसा चाहिए सबूत? अच्छा मुझे ये चाहिए, एज यू नो सभी जानते हैं पाकिस्तान जो है 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं और हिंदुस्तान यानी कि इंडिया जो है 15 अगस्त, इसकी क्या वजह है? ये हमें जिद्दबाजी की है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? 25 दिसंबर। वो आगे वाली डेट भी बताए ना। 1880 मेरे प्यारे वतन। अस्सलाम वालेकुम, एज यू नो व्यूअर्स मेरी बेसुरी सी आवाज़ को इग्नोर करें क्योंकि यहाँ जहाँ वतन की बात होती है तो मेरे जैसे बेसुरे भी अच्छा गाते हैं। सो फाइनली राइट नाउ आई एम हियर, बहुत लेट हो गई हूँ और मेकअप शेकअप करवाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, आपको ही पता चल गया होगा। तो आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो एंड उनको भी जश्न आज़ादी मुबारक जो कि 20 रुपये वाले जूस का डब्बा लेके तो उसको आखिरी श्रप श्रप की आवाज़ आने तक नहीं फेंकते, उनको भी जश्न आज़ादी मुबारक जो कुर्बानी का गोश्त अपने घर में रख लेते हैं, उनको भी जश्न आज़ादी मुबारक जिनकी वजह से कूलर और ग्लास के दरमियान में संगली आई है, उनको भी जश्न आज़ादी मुबारक जो दूध में पानी मिलाते हैं, उनको भी जश्न आज़ादी मुबारक जो नाली निकलवाने के ज़्यादा पैसे लेके ऊपर ऊपर से पानी निकलवा के कहते हैं चले सफाई होगी, उनको भी जश्न आज़ादी मुबारक जो मिलावट करते हैं, उनको भी जश्न आज़ादी मुबारक जो किसी को बुरा भला कहते हैं। आई वॉन्ट टू से के आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। लोगों से चिट चैट करते हैं और पाकिस्तान के मुतल्लिक कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, देखते हैं लोगों को कितने आते हैं या नहीं। आज कैमरा मैन मेरे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका गुड नेम? मेरा नाम असद। असद क्या करते हैं आप? मैं शेफ हूँ। शेफ? अच्छा अच्छा, पंक्चर की दुकान है? वही फूड वगैरह का पंचर जो हो जाता है तो उसको नहीं, क्या मुझे आई डोंट नो आई एम इन ट्रेड दैट्स व्हाई माय टीथ कम स्ट्रांग बिफोर गोइंग टू बेड अर्ली इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक लव इज लाइफ। कैन यू प्लीज टेल मी एंड एक्सप्लेन व्हाट इज शेफ? दोबारा करो। नहीं दोबारा नहीं होता, 2 रुपए में इतना ही होता है, पहले पे पैसा फेंक फिर तमाशा देख। ऐसे नहीं, प्रोफेशनल शेफ हूं। अच्छा प्रोफेशनल शेफ है तो खाने खिलाओगे मुझे घर? अपनी बात नहीं तुमने करनी, मेरी सुननी है। जी नो। घर पे बुला खाने खिलाओगे? नहीं घर पे नहीं। तो जश्न आज़ादी मनाते हो? लोग शक करेंगे, घर नहीं बुला सकता। कितने पैसे हुए इस बात के? नहीं अभी पैसे तुम्हारे पास होने नहीं है। हाँ हाँ, पॉकेट भी नहीं है ना एक्चुअली। ये बात साइड पे रखते हैं, मुझे चाहे पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मोबाइल मेरे सारे उन्होंने पकड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, गल बताई दी नहीं टू दी पॉइंट आए। 14 अगस्त, आई लव पाकिस्तान एंड आई लव यू असद। आपकी झील जैसी आंखें हैं, कसम से झील जैसी, डूब जाने को दिल कर रहा है। सीधा जरा प्रोफाइल ना हो, सीधा हो जरा लोगों ने, कैमरे भी अखा चखा पा के नहीं जरकान करो। हो गया ओके, जिम्मे तानू हो गया। हाँ चले, मुझे बताएं कि असद पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? ये किसको नहीं पता बताएं? किसको नहीं पता, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। पता नहीं, अब आपको भी पता है कि नहीं है? चौधरी रहमत साहब, चौधरी रहमत साहब। चौधरी रहमत स्कूल से पढ़े हुआ इसलिए मुझे पता है। अरे वाह, और कौन से सन में रखा था ये? मेरे ख्याल में सवेरे टाइम रखा था मैंने, 7:30। कौन है ये लोग? अच्छा मुझे ये चाहिए, एज यू नो सभी जानते हैं पाकिस्तान जो है 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं और हिंदुस्तान यानी कि इंडिया जो है 15 अगस्त, इसकी क्या वजह है? ये हमें जिद्दबाजी की है। इतने वेली बैठी हुई है, क्या वजह? काम नहीं है? रिकॉर्डिंग करके आई थी तो मैं। अच्छा, कौन सी रिकॉर्डिंग? कौन सी रिकॉर्डिंग? आई लाइक, आई लव रिकॉर्डिंग्स। अच्छा, मैं ये रिकॉर्डिंग करने आई थी जो आप करने आए ना प्रोग्राम। हाँ। मैं भी वही, मैं जो डांस करने आई हूँ आपको पता नहीं है भी क्या दिया, मैं भी वही करने आई। रिकॉर्डिंग प्रोग्राम रिकॉर्ड करने, मैं अपने चैनल के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड कर। अच्छा, अपने चैनल के लिए? चले मैं भी सब्सक्राइब करूंगी लेकिन प्रमोशन नहीं करनी मेरे चैनल पे। अच्छा मैं आपको भी बताती हूँ, तुझे आपको पता है जश्न आज़ादी? हाँ जी। हाँ, जो पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा था? क्या? पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा था? अल्लामा इकबाल ने। माशाल्लाह, आपको मिले, आपके हो गए 100 रुपया। ठीक है, हर सवाल का 100 रुपया आपको दूंगी मैं, और अगर नहीं आएगा तो 200 रुपया कट हो जाएगा। ठीक है। कायदे आज़म कब पैदा हुए? 25 दिसंबर 18, पता नहीं आगे सन नहीं याद आया। चले आपने आधा जवाब दे दिया तो 100 रुपया लेवल हो गया। ठीक है, आपको इंग्लिश बोलनी आती है? इंग्लिश बोल तो रही हूँ। इंग्लिश? आप हस्ती बहुत प्यारा है, क्या वजह है? दुनिया में दो ही चेहरे जो हस्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं, एक स्पीड और एक ये। योर गुड नेम, नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। रिबाहा। चलें ठीक है, तो आपको क्यों ये क्वेश्चन आते, क्या वजह है? कौन सा प्रोग्राम आप कर रही? वैसे आप कह रही मैं यूट्यूबर हूँ।
बेइज्जती कर रही हूँ आप मेरी। नहीं नहीं बेइज्जती मैं कौन हूँ चीज करने वाली। इस टाइम जब आप मैं बैठी हुई थी इंतजार कर रही थी सुबह से दिमाग खराब है चल नहीं रहा दिमाग इस टाइम। तो मुझे ऑर्डर लगाएं खाना शाना खिलाऊं आपको? नहीं थैंक यू आप खाओ आप खिला दें। मैं खिला देती हूँ। चले कैमरामैन रिकॉर्डिंग मैं कट करवा दिया ना तो फिर खुआना पैना है। रहने दे तू। पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन अब गलत ऑप्शन में चले ठीक है मोहतरमा फातिमा जिना कायद अजम मोहम्मद अली जिना एंड लियाकत अली खान कौन थे? लियाकत अली खान। हाँ आप हार गए कायद अजम मोहम्मद अली जिना थे। अच्छा गवर्नर जनरल की बात कर रही हूँ। अच्छा, कुछ क्या मुझसे ये सवाल पूछ लगे तो आजादी है जश्न आजादी है पाकिस्तानी होने का मुहिब्बे वचन होने का सबूत दे ना। सबूत कैसा चाहिए सबूत कैसा चाहिए सबूत और जो मेरी नकलें लगा रही हैं आप nope. तो कोई बात नहीं अभी तो मेरी नकलें उतार रही हैं। मैंने आपकी नकलें कब उतार रही है? अभी आप उतार ही नहीं थी कब? चले मुझे लेने आ गए मैं जा रही। नहीं मैंने भी थोड़े नाल ही जाना है। हाँ उन्हें ठीक है उन्हें कह देना कि मैं पास बैठी हूँ आपके। हेलो हेलो हाँ वो आगे से सलूट कर रहे हैं। चलें ठीक है थैंक यू आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ठीक है। वीडियो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाथ लगा हाथ उठाओ ना इधर जय फॉर्चुनेट। हाँ जय फॉर्चुनेट इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू वेरी मच आई लव यू। अच्छा ठीक है आ जाओ आगे चले एह जी गल करके निकल जाना चाहिए फौरन अगला बंदा जुती ला के मार सकता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एह वेयर्स हारिस पट्टी एज यूजुअल मेरे साथ है कैसे हैं आप हारिस? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आप कैसे हो? कैसी हूँ वो कैसे माइक पकड़ना जरा। जश्न आजादी मनाती है ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों हारिस पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ जरूर आप बिल्कुल। पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। ज्यादा बहुत। पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम क्या था? यार सारी इन्हां दी सहाफत अज मैं इत्थे सैड ते ला देनी है। मेरा नाम भी स्पीडो है। ओए यार ये ना बीच मेरा है स्पीडो है बीच ना ले ए बीच आएगा ए बीच आ गया। अच्छा पास आ जाए जो मुझे बताएं कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? पाकिस्तान का नाम रखा था चौधरी रहमत अली ने। कौमी जराना किसने लिखा था? तीस जलंधरी। कौन से सन में लिखा था? आई थिंक 1930 में ये लिखा था शायद। ओ भाई 1947 में पाकिस्तान बना तराना पहले कहाँ से आ गया? यार कट करवा दी। मैं कट नहीं करवाना ये सब जाएगा। ये मेरे बहुत नाजरी ये मेरे बहुत अच्छे लव है मेरे दोस्त हैं और ये नहीं तानू तो मेरा करना है। पाकिस्तान 14 अगस्त मनाता है और भारत जो है वो 15 अगस्त इसकी मेन वजह क्या है? बस यही फजूल में लागतबाजी और क्या है लेकिन हम आगे चले। नहीं लागतबाजी क्या कोई और रीजन? नहीं नहीं बाप हमेशा पहले होता है। अरे हारिस भाई ने जो बयान दे दिया वो आपने भी सुन लिया। मैं ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी बीबीसी पे। मैं कह रही हूँ ये मैं कह रही हूँ ये ऐसी वैसी अब मैं आगे जाऊँ। हारिस बहुत बातें हो गई हैं थैंक यू वेरी मच। चाहे बफी पा नहीं बफी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? गुड। आपका नाम क्या है? आमना। आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। इसके अलावा क्या करती हैं? इसके अलावा सोती हूँ उठती हूँ जाती हूँ खाना। ये तो सभी करती है ना ये जो जिंदा इंसान है उन्होंने करना ही करना। आप क्या करती हैं? आप में ऐसा खास क्या है कि मैं आपके पास आके रुक गई हूँ? देखिए आप रुकी है ना तो आपको पता होना चाहिए। आपने मुझे देखा आप रुकी है। दूसरा आपकी आईज बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। हाँ और इस गल तो बाद मेरी जुबान से छाले निकल आने क्योंकि मैं झूठ बोले है। अच्छा चले आपको पता है एज यू नो जश्न आजादी नहीं तक फुरला मिनट एलिगेशन ना लवा देना। चलो बस। हाँ तो एज यू नो 14th of August तो पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा? गेम कुछ इस तरह से हर सवाल पे आपको 100 रुपया मिलेगा। ऑडियो सही आ रही है ना बात चो ना कहीं ऑफिस जाके मिले तो हर सवाल पे आपको 100 रुपया मिलेगा एंड अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपको 200 रुपया माइनस हो जाएगा। ओके ओके पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा? अपनी तरफ से नहीं है मेरे पास है ही नहीं। मैंने अब मार्केट बंद हो गई है मेरा पैसा जैज कैश है इजी पैसा जैज कैश पेपाल अकाउंट कुछ भी नहीं है अनपढ़ लोग हैं हम। ये दुनिया तो की लेना है तुसी अल्लाह का नाम लेना है। चले आपको भी जश्न आजादी मुबारक। मुझे बताया पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा? अल्लामा इकबाल ने। कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? 25 दिसंबर। वो आगे वाली डेट भी बताए ना 1876 वो आपका 200 रुपया हो गया है। क्यों?
200 रुपया मैंने आपको देना है। हाँ सही है, आप 200 वालों के जवाब दे दी, 200 रुपया मैं दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का कमिश्नर किन्होंने लिखा? हफीज जलंधरी। किस सन में लिखा ये भी बताएं। ये नहीं बताना मैंने। चलिए 200 रुपया माइनस हो गया, 100 रुपया रह गया। भाई क्या होते हैं आप ही नहीं बोल सकती। ओके आप जी बिल्कुल, मैंने भाई, चलिए 200 रुपया माइनस हो गया है, 100 रुपया रह गया। नहीं नहीं ऐसी बात। चलिए पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे आजम। अरे वह 200 रुपया फिर हो गया। ओके ठीक है। और सबसे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कौन थे पाकिस्तान के? पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सिकंदर मिर्जा। कौन सा सन था, कौन सा सन था? 47 ऑफ कोर्स। 1956 था, 47 में प्रेसिडेंट वाला तो सीन ही नहीं था। हाँ हाँ गूगल करे, 200 रुपया कट गया, 100 रुपया रह गया। एंड फाइनली कोई औखा जहा सवाल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? बलोचिस्तान। किस सेंस में? एक मिनट मैं बता रहा हूं, नहीं 100 रुपए माइनस ना, किस सेंस में? किस सेंस में नहीं बोलनी मेरे नाल ना, 100 रुपए माइनस नहीं, मैंने तो दोबारा फौरन बोला, अगर मैं तब ना बोलती तब बात ना, मैंने हाथ अटैक होने वाला है, 200 हो जाता है। गलत गलत गलत, दोबारा बताओ किस सेंस में। चलें ये ड्रा कर देते हैं। ओके दोबारा आपकी आपकी तरफ 100 रुपए बस। हां जी, पाकिस्तान का नाम किसने रखा? चौधरी रहमत अली ने। कितने? चौधरी रहमत अली। ठीक है हाँ जी। सन बताएं। 1933। नहीं। यस। आपकी सेंस ऑफ एग्जैक्टली यस, बिकॉज़ उन्होंने एक वो लिखा था, क्या कहते हैं उसको, एक पंपलेट बनाया था पाकिस्तानियों के लिए जब वो स्टूडेंट थे, और उन्होंने 1933 में वो पंपलेट शाया किया था, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान जो एक ख्वाब देखा था लामा अकबर ने, उन्होंने एक स्पेसिफिक नेम दिया था पाकिस्तान। मेरी जनरल नॉलेज बड़ी चंगी है। चलो हम 200 रुपया। अच्छा 200 रुपया हो गया। एंड क्वेश्चंस ढेर लगे हुए हैं, क्वेश्चंस नहीं खत्म होते। वो कौन सा दरख्त है जिसे मैग्नेट लग जाता है? ये क्या पाकिस्तान वाली जाना ने पाकिस्तान हूं पाकिस्तान में चलो और भी सवाल नहीं हो तो अनुमान देने में वो बंदा लगना जिनको छांदा ना होवे। एंड मुझे टेल मी टेल मी टेल मी ये है कि तुसी पैसे नहीं देने है ना। गल मैं तुहानू मैं तुहाडे को लेके जाने ने, देने वाली गल ही नहीं है। स्पीडो ए जी गल ना करो, फिर स्पीडो दी इतनी इकोनॉमिकल चीज है तो पैसे देने वाली बढ़ो तुसी। ना 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 तुसी भी फारक हो, मेनू भी फारक करो। हाय अल्लाह इतनी मैं नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। एंड फाइनली हुन फिर दसो ना, 200 रुपए हार जो माइंड लेवल हो जाएगा। वो कौन सा दरख्त है जिसे मैग्नेट लग जाता है? सवाल हुन एक बारी मेरे कहने बदल भी दो। एक सवाल। अच्छा एक सवाल बदल दे, फिर 100 रुपए माइनस। क्यों माइनस है? भी माइनस मेरे कहने, मैं इतनी सारी दोस्ती हो गई है स्पीडो नाल, तो फिर कोई दोस्ती ना, ना फ्लर्ट करने की कोशिश ना करे मेरे साथ। आई ओनली लव बॉयज। वो कौन सी चीज है जिसका ना मुंह होता है ना टांगे होती है, दो बाजू होते हैं? बताएं। ना मुंह होती है होता है, ना टांगे होती है, दो बाजू होते हैं। और वो जिंदा है? ना मुंह होती है होता है, ना मुंह होता है होती नहीं है, पठान ना बनो। ना मुंह होता है, ना टांगे होती हैं, बाजू होते हैं, और जिंदा है। 8 weeks later। चलो भाई मतलब मेरे पैसे कट गए, लेवल हो गया, लेवल हो गया। चलो एक और सवाल। ओके हुन देने पैने ने सवाल, अगर मुश्किल ही आ रहे हैं। मेरे पे इंज करने ना, पहले जेडे 200 रुपए पहले बड़े सी ना, वो पहले मेनू दे दो, फिर मैं दे दूंगी वापस। ये तो अड्डा की अच्छा तुम वापस ना करें। चले ठीक है, आपका जनरल नॉलेज पाकिस्तान के मतलब बहुत अच्छा था, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आप सबको तो पता ही, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, शेयर करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, और जल्दी जल्दी मेरे 100K सब्सक्राइबर करवा दें, क्योंकि 100K सब्सक्राइबर में आपके साथ ट्रूथ और देयर वो जो भी होता है मैं लिख दूंगी, अगर आई एम प्रोनाउंस नहीं कर पा रही तो ट्रूथ और डेयर हम खेलेंगे जब हमारे 100K सब्सक्राइबर होंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर के स्पेशल वीडियो होगी सब फैंस के लिए, इसके बाद मीटअप भी अरेंज करेंगे। एंड व्हाट आई वांट टू से के जो भी मैंने क्वेश्चन किए ना वो भी मेरे जहन से नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा थे तो मैं टाइप करके ना एंड पे लिख दूंगी। एंड पाकिस्तान के लिए जिए पाकिस्तान, जिंदाबाद।